नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदीप हिंदी चैनल पर। तो बीसी सखी महिलाओं के लिए 10 सूत्री मांग को लेकर बहुत बड़ा नया अपडेट निकल कर सामने आ रहा है, जहां बीसी सखी महिलाएं अपनी 10 सूत्री मांग को लेकर लगातार सरकार को अपना ज्ञापन सौंप रही है। वहीं धरने प्रदर्शन को लेकर भी बीसी सखी महिलाएं लगातार सरकार को अपना लोहा मंगवाती हुई नजर आ रही हैं। वहीं बात करें बीसी सखी महिलाओं की, 10 सूत्री मांग सरकार के समक्ष अभी भी चुनौती भरी रही है। जहां बीसी सखी महिलाओं की 10 सूत्री मांग को लेकर नया अपडेट आ रहा है कि कहते हैं कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, एक प्यासे के पास चलकर समुद्र भी आएगा, यूं थक कर मत बैठे मंजिल के मुसाफिर, वो मंजिल भी आएगी और जीने का मज़ा भी आएगा। क्योंकि लगातार बीसी सखी महिलाएं अपनी समस्याओं और अपनी मांग को लेकर सरकार के समक्ष अपना ज्ञापन पत्र सौंप रही हैं। लगातार बीसी सखी महिलाओं की जो मांग है वह सरकार के समक्ष जाती रही है, लेकिन अभी तक इसमें सरकार की तरफ से कोई बड़ा ऐलान नहीं किया गया है, जिसमें 10 सूत्री बीसी सखी महिलाओं की मांग बनी हुई है। जितनी मेहनत, जितनी परिश्रम आज बीसी सखी महिलाएं कर रही हैं, इनको इनका ब्याज समेत इनका जो इनकी मांग है वह संपूर्ण सरकार पूर्ण करेगी। तो लगातार हम सरकार से यही गुजारिश करना चाहते हैं कि सरकार की जो बीसी सखी महिलाओं की मांग है वह सरकार जल्द ही पूर्ण करे। लगातार सरकार की तरफ से देखा गया है कि बीसी सखी महिलाओं के समक्ष जो चुनौतियां आ रही हैं, वह बीसी सखी महिलाएं एक अपने सर पर बोझ की तरह अपने ऋण, इस ऋण को लेकर चल रही हैं, और जो चुनौतियां हैं मानदेय को लेकर वह अभी भी उनके सामने चुनौतियां बनी हुई है। वहीं बात करें आज की खबर की, जिसमें कि विशिष्ट महिला कॉरेस्पोंडेंट उत्थान समिति की अध्यक्ष शालिनी मिश्रा की अध्यक्षता में बीसी सखियों ने 10 मुख्य बिंदुओं पर मुख्य विकास अधिकारी को अपना ज्ञापन पत्र सौंप दिया है, जिसमें बहराइच से निकलकर सामने बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जिसमें विशिष्ट कॉरेस्पोंडेंट महिला उत्थान समिति की जिला अध्यक्ष शालिनी मिश्रा के नेतृत्व में बीसी सखियों के अगुवाई कर रही हैं। वहीं सखियों ने अपनी 10 मांग को लेकर विकास भवन में जाकर मुख्य विकास अधिकारी महोदय को अपना ज्ञापन पत्र सौंप दिया है, जिसमें अपनी मांगों को पूरा करने के लिए जोर लगा रही हैं। वहीं हमें शासनदेश के अनुसार लागू किया जाना चाहिए। जो सरकार नया शासनदेश जारी कर रही है वह बीसी सखियों के ऊपर लागू होना बहुत जरूरी है। वहीं बात करें, हम सभी बीसी सखियों को ग्राम सचिवालय में बैठने की व्यवस्था की जानी चाहिए। वहीं बीसी सखियों को और जो ओडी अकाउंट है, सेटलमेंट अकाउंट राष्ट्रीयकृत बैंकों में खुलवाया जाना बहुत जरूरी है। वहीं बात करें, पार्टनर बैंकों द्वारा डिवाइस सर्विस सेंटरों को जो बैंकों के पास में खोला जाना बहुत जरूरी है, जिसमें कि डिवाइस से संबंधित बीसी सखी महिलाएं काफ़ी परेशान नज़र आ रही हैं। वहीं बात करें, जो उनका कमीशन है वह 25% ना काटा जाए, वह उन्हें पूरा कमीशन उन्हें बीसी सखी महिलाओं को दिया बहुत जाना चाहिए। वहीं बात करें, सबसे महत्वपूर्ण मांगों को पूरा करने वाले के समक्ष यहाँ पर बीसी सखी महिलाएं अपनी मांग को पूरा करने के लिए एक बार फिर जिला अधिकारी को अपना ज्ञापन पत्र सौंप दिया है। वहीं सरकार अब बीसी सखी महिलाओं की जो मांग है वह लगातार बढ़ती जा रही है, इन बीसी सखी महिलाओं की संपूर्ण मांग पूर्ण करे। तो आप अगर चाहती हैं कि बीसी सखी महिलाओं की अपनी मांग को पूर्ण करें, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ, और लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और इस विषय पर आप सभी क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर सकते हैं। तो मिलते हैं आप सभी को इसी तरह की नई लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।